हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वर्ष में 24 एकादशी होती है तथा जिस साल अधिक मास होता है उस साल एकादशी 26 हो जाती है। इन एकादशियों में ज्येष्ठ मास यानी जेठ महीने की एकादशी सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है और यह एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए निर्जला उपवास रखकर किया जाता है, जिसमें एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल भोजन का त्याग किया जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति केवल निर्जला एकादशी का व्रत करे तो भी उसे बाकी सभी 25 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जहाँ पूरे साल की 25 एकादशी में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। यह व्रत लंबी उम्र स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों को नाश करने वाला माना गया है और इस दिन व्रत करने के साथ साथ शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान देना भी बहुत ही फलदायी है। यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी केवल यह दान तो जरूर करना चाहिए। इस दिन क्या दान करें, इसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहां से भी निर्जला एकादशी के दान के बारे में जान सकते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि निर्जला एकादशी का इतना कठिन व्रत यदि ना रख पाए तो क्या करें। इसके लिए आप भक्त व्रत रख सकते हैं। अधिकतर लोग यह भक्त व्रत ही रखते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक पानी भी नहीं पिया जाता, लेकिन भक्त व्रत में आप एकादशी के सूर्योदय से व्रत शुरू करें और शाम को दान दक्षिणा पूजा आरती दर्शन आदि के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन केवल ठंडा फलाहार ही किया जाता है, जैसे तरबूज खरबूजा आम आदि फल, जूस शरबत ठंडा दूध आदि, यही दान भी करें। पका हुआ फलाहार ना करें और दान भी ना करें। तो अब आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और यदि आप व्रत ना करें तो दान जरूर करें, पूजा करें, कथा सुनें। तो आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी यह हमें जरूर बताएं। जय श्री राधे।